नमस्कार, आप देख रहे हैं डी लाइव न्यूज और मैं हूं जगदीश। बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। जब जब धरती पर तीर्थकरों का जन्म होता है तो समूची सृष्टि आनंद विभोर हो जाती है और प्रकृति का कण कण खिल उठता है। यह बात चातुर्मास विराजित आचार्य श्री प्रद्युमन विमल सुरेश्वर महाराज ने पालकी के समाप्ति के पश्चात शालीभद्र उपाश्रय में धर्म प्रेमियों के व्याख्यान में कहे। उन्होंने कहा कि तीर्थकरों के जन्म के साथ ही मानव कल्याण की शुरुआत हो जाती है और जीव मात्र के कल्याण के प्रति हर कोई आगे आ जाता है। आवश्यकता इस बात की है कि हम मन की गहराइयों में साफ मन से प्रभु को विराजित करें और नित्य कर्म की ओर अग्रसर हों, तभी हम इस कुल को गौरवान्वित कर सकेंगे। इस अवसर पर आचार्य श्री की निशरान में श्री जैन श्वेतांबर विशा पोरवाल संघ द्वारा धार्मिक कार्यों के प्रति अपनी विशेष रुचि रखने वाले डूंगरपुर कांग्रेस के निवर्तमान अध्यक्ष दिनेश खोडनिया का अभिनंदन किया गया। इससे पूर्व नेमिनाथ मंदिर परिसर में पालकी में श्री जी को विराजित कर श्वेत वस्त्र धारण किए युवा तथा अश्व पर धर्म ध्वजा थामे तथा 14 स्वप्नों के साथ जब भगवान की पालकी गाजे बाजे के साथ रवाना हुई तो पूरा वातावरण धर्म की जयकारों से गूंज उठा। भगवान की पालकी पुराना बस स्टैंड सब्जी मंडी होते हुए तहसील चौराहे पहुंची, जहां से उसी मार्ग से मंदिर स्थल पर पहुंची, जहां पर समस्त कार्यक्रमों के लाभार्थी परिवार द्वारा भगवान की आगवानी की गई। साथ ही नेमिनाथ पंच कल्याणक पूजा का भी आयोजन हुआ। इससे पूर्व प्रातः भगवान का दुग्धाभिषेक, केसर पूजा, फूल पूजा आदि के कार्यक्रम हुए, जिसमें सकल संघ के प्रतिनिधियों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। इस दौरान भगवान की मनोहारी आंगी भी की गई। कार्यक्रम में डूंगरपुर संघ के अलावा ग्रामीण क्षेत्रों से भी धर्म प्रेमियों ने भाग लिया।